आतंक के इन्हीं छह चेहरों ने तैयार कर रखी है नापाक साजिश की पूरी ब्लूप्रिंट। डी कंपनी से फंडिंग हो चुकी थी, छह में से दो ने पाकिस्तान के उस फार्म हाउस जाकर ट्रेनिंग भी पूरी कर ली जहां अजमल कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इन सब का रिमोट अपने हाथ में ले चुकी थी। साजिशों को अंजाम देने के लिए बस नवरात्रों का इंतजार था, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। त्योहारों के वक्त दहशत का खेल खेलने का मंसूबा पाले आतंक के छह छह सौदागरों की गिरफ्तारी देश के अलग अलग हिस्सों से हुई। दिल्ली के ओखला से ओसामा और सराय काले खां से अबू बकर, लखनऊ से आमिर जावेद, प्रयागराज से जिशान कमर, रायबरेली से मूलचंद और कोटा से जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर गिरफ्तार किया गया। आतंकी साजिश के भांडाफोड़ की शुरुआत डी कंपनी के गुर्गे जान मोहम्मद की गिरफ्तारी से हुई, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सबसे पहले गिरफ्तार किया। जान मोहम्मद को लेकर जब सियासत शुरू हुई तो सूबे के ATS चीफ को भी सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा, राज्य की एजेंसियों से कोई लापरवाही नहीं हुई। एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का, लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। हमारी नजर में आदमी था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कि ये जो केस हुआ है ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, ये सेंट्रल एजेंसी की इन्फॉर्मेशन थी जो दिल्ली पुलिस को दी गई। केंद्रीय एजेंसियों से इंटेलिजेंस इनपुट महाराष्ट्र को लेकर नहीं थी, पहले दिल्ली को मिला। जिस जान मोहम्मद को लेकर बीजेपी उद्धव सरकार को घेर रही है, वो पत्नी और दो बेटियों के साथ मुंबई के धारावी में रहता है। असगर नाम के ट्रैवल एजेंट ने जान मोहम्मद के लिए 13 सितंबर की मुंबई सेंट्रल से दिल्ली की टिकट बुक की थी। पुलिस सूत्रों की माने तो जान मोहम्मद UP से IED और विस्फोटक लाने जा रहा था, जिसे उसे दिल्ली पहुंचाना था। जान मोहम्मद की टिकट बुक कराने वाले शख्स असगर को महाराष्ट्र ATS ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। इस बीच अभी तक की जांच में ये बात साफ हो गई है कि जान मोहम्मद स्लीपर सेल से जुड़ा हुआ है और उसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी हैं। उसे पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल के लिए IED, हथियारों और ग्रेनेड का बंदोबस्त करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।